Hello student, welcome to e-learning. Once again, I'm Alok in front of you with the novel H.G. Wells' The Invisible Man. And now the summary of the first chapter. In early February, it was biting cold. February ki shuruaat thi aur England mein, as you know, there was biting cold. Means bahut zyada thand hoti hai. A stranger walked from Bramhurst Station. Bramhurst Station se ek stranger pahunchta hai. A little black old fashioned suitcase. Ek chota sa purana fashionable suitcase uske haath mein hota hai. And came to an inn named Coach and Horse. Aur jis inn ke andar wo aata hai, uska naam hota hai Coach and Horses. He was dog tired. Wo bahut zyada thaka hua tha. On reaching, he wished to get some warmth. Aur wahan pahunchne ke baad, usse thodi garmi ki zarurat mehsoos hoti hai. To be given as snowflakes had settled down on his body. क्योंकि बर्फ के छोटे छोटे कण उसकी बॉडी पर मौजूद थे. मिसेस हॉल, द ऑनर ऑफ द इन, मिसेस हॉल जो ऑनर थी, मालकिन थी इन की, फाउंड हरसेल्फ लकी. वो अपने आप को लकी महसूस करती हैं टू हैव अ कस्टमर इन विंटर टाइम, बिकॉज सर्दियों के समय उनको कस्टमर मिला था. एंड ही गेव हर सम गोल्ड कॉइंस, और वो उनको कुछ गोल्ड कॉइंस देता है एज एन एडवांस फॉर द रूम, उस रूम के एडवांस में. द रूम वॉज कोजी, जो कमरा था वो काफी आरामदायक था. विद द बर्निंग फायर, अंदर आग भी जल रही थी. एंड द स्ट्रेंजर ऑलवेज लुक आउट ऑफ द विंडो, जो स्ट्रेंजर था वो हर वक्त खिड़की से बाहर देखता रहता है. एंड मिसेस हॉल ऑफर्ड टू ड्राई हिज कोट बट ही रिफ्यूज्ड. मिसेस हॉल उसे कहती हैं कि वो उसके कोट को ड्राई कर दें, लेकिन वो उनको मना कर देता है. ही हाइड हिज फेस विद अ मफल, उसने अपना चेहरा मफल से छुपाया हुआ था. एंड बैंडेज है सर पर, पूरे बैंडेज बनी हुई थी. एंड ही लुक ऑड एंड स्ट्रेंज इन अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस जो थी वो काफी ऑड लग रही थी और बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रही थी. ही डिड नॉट प्रेफर टू गेट इनटू अ डायलॉग, इवन वो अपने आप को किसी भी तरीके के डायलॉग में शामिल नहीं करना चाहता था, बातचीत नहीं करना चाहता था. विथ हर, इसके साथ मिसेस हॉल के साथ. एंड शी कुड नॉट सी हिज फेस बिकॉज हिज फोरहेड अबव हिज बर्ड ब्लू ग्लासेस, अब उसका फेस भी नहीं देख पाते हैं बिकॉज उसके बड़े बड़े ग्लासेस होते हैं नीले रंग के. एंड वॉज कवर्ड बाय अ वाइट बैंडेज, और सफेद बैंडेज से उसका चेहरा भी कवर्ड था. ओनली हिज पिंक पीक नोज वॉज विजिबल, सिर्फ उसकी गुलाबी नाक नजर आ रही थी. मिसेस हॉल थॉट, और मिसेस हॉल सोचती हैं दैट द गेस्ट मस्ट हैव मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट, कि शायद जो गेस्ट है उसके साथ कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है. एंड शी सिंपैथाइज, और उनको उसके साथ सिंपैथी होती है. विथ हिम बट ही स्पोक नथिंग, लेकिन गेस्ट इस बारे में उनसे कोई बात नहीं करता. अलूपनेस ऑन द पार्ट ऑफ द स्ट्रेंजर वाज अपसेटिंग, और उसको काफी अपसेट तब महसूस होता बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू बी अ रिमेन अलोन. ही टोल्ड हर, और वो उनको बताता भी है दैट ही वांटेड हिज लगेज, उसको उसके लगेज की जरूरत है. लाइंग एट द स्टेशन, जो स्टेशन पर मौजूद है. ब्रॉट टू द इन, और वो वहां मंगवाए जाते हैं. मिसेस हॉल एक्सप्लेन, और वो उनको एक्सप्लेन भी करती हैं दैट इट वाज अ स्टीप रोड, क्योंकि जो रोड है वो काफी स्टीपी है. एंड वाज रिस्की, और काफी रिस्की भी है. शी स्टिल अश्योर्ड हिम, लेकिन फिर भी वो भरोसा दिलाती हैं दैट हिज लगेज विल बी ब्रॉट बाय टुमारो, कल तक उसका लगेज पहुंच जाएंगे. द विजिटर वॉर्न्ड मिसेस हॉल, और विजिटर उसको वॉर्न भी करता है मिसेस हॉल को दैट ही डिड नॉट वॉन्ट एनीबॉडी कमिंग अगेन एंड अगेन टू हिज रूम टू डिस्टर्ब हिम, वो नहीं चाहता कि कोई उसके रूम में बार बार आए और उसे डिस्टर्ब करे. His nerves very much irritated because ये चीज़ थी उसको काफी इरिटेट करती हैं. And Mrs. Hall, she kept quiet, बोले चुप रहती हैं because she considered him a managing machine for her, क्योंकि वो इस समय उनके लिए पैसा कमाने की मशीन थी. During his stay, और उनके स्टे के दौरान, till early hours, कुछ शुरुआती घंटों में, the stranger kept to his room. वो अपने आप को अपने रूम तक ही सीमित रखता है. Perhaps dozing and pacing the room for a few minutes, कुछ देर के लिए वो डोज अप करता है, सोता है, थोड़ा आराम करता है और इधर उधर देखता है. He was lost in himself, वो totally अपने आप में खोया हुआ था. This was the first chapter. I hope you like the video. If you like it, then subscribe the channel. Thank you. If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.